एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। नहीं चेरी मैम, ये जो सिरका मंगाते हैं ना, तो उसमें लहसुन कितना लेना पड़ता है जूस बनाने के लिए? जी हाँ, देखिए जितना सिरका हो उतना ही लहसुन का जूस, उतना ही अदरक का जूस, उतना ही नींबू का जूस, मतलब सबको हम वज़न लेना होता है, यानी बराबर बराबर वज़न। और ये दुनिया की बेहतरीन दवा बनती है, जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी दवा, लीवर के लिए और ब्रेन में जो क्लॉटिंग हो जाती है जिससे फालिज हो जाता है उसके लिए, दिल की रगें ब्लॉक हो जाती हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। आप बनाइए, और अगर घर में ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म की बीमारी ख़ासतौर पर बड़े उम्र के लोगों को होती है, तो उनके लिए एक अजीब और गरीब तोहफा है, आप उन्हें इस्तेमाल करा सकते हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी ने हमें कॉल किया है शाहजहांपुर से। सुनील जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, एक हमारी रीढ़ में नस दबे है। जी हाँ, रीढ़ में नस दबी है, तो पैरों में भारीपन बहुत है और चल नहीं पाते कतई। बिल्कुल हकीम साहब, कितनी उम्र है भाई आपकी? हमारी उम्र है 57 साल के। अच्छा, आप मेहनत तो नहीं करते आप? हम गाड़ी चलाते थे फोर व्हीलर, अब गाड़ी छोड़ दी, पैर काम नहीं कर रहे कतई। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, एक कुर्सी वाला, जब आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं, नहीं तो बार बार ठीक होंगे, बार बार बीमार होंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है, आप कुछ भी करें, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो ऐसे मरीज़ अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं, ताकि वो जो नस दब रही है वो आपकी कमर की डिस्क में दब रही है, और इसके अलावा कोई बाथरूम होता वहाँ बैठने से हमारी फिर दब से दब जाती है, दवा ठीक करेगी और आपको परेशानी होगी, तो आप ये ज़रूर करें। और शायद आपका पहले भी फ़ोन आया है, मुझे याद है, इसी किस्म का फ़ोन होगा। देखिए दो रास्ते हैं, एक तो घरेलू नुस्खा गौंद स्याह, काला गौंद, एक कड़वा गौंद होता है जिसको आधा आधा ग्राम सुबह शाम लेने से आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन वो असली मिलना चाहिए, और असली क्या बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अगर 100 ग्राम भी मिल जाए तो आपको 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा मुमकिन है, और अगर नहीं मिलता है, नकली मिलता है, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर आप लिया करें सुबह शाम, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, मेहनत बिल्कुल ना करें कुछ दिन के लिए। जी, और इसी के साथ अपने तमाम दर्शकों के लिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि हकीम साहब अब फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो फेसबुक के मैसेंजर में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई समस्या है जिसके नुस्खे आप जानना चाहते हैं, जिसके विषय में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो हकीम साहब के नाम से फेसबुक के पेज पर आप जा सकते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किस बात की देर है, आपको देर नहीं करनी है, आपको सब्सक्राइब करना है और फेसबुक के पेज पर भी जाना है। हकीम साहब, ये जो फेसबुक पर जाने का आपका फैसला हुआ, यूट्यूब पर जाने का फैसला हुआ, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि कई बार नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, लाइट की दिक्कत हो जाती है, तो आराम से फेसबुक और यूट्यूब पर वो आपसे जान भी सकते हैं और जो जानकारी वहां पर है वो देख भी सकते हैं। देखिए, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग नहीं चल पाते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जी, एक ज़माने में, मैं 40 साल से तकरीबन सेवा कर रहा हूँ, एक ज़माने में पेपर में राइटअप लिखा करता था, बहुत सारे पेपर्स में। जी, फिर ये टेलीविज़न का दौर आया तो आप लोगों की सेवाएं हासिल हुई, तो अब टेलीविज़न के बाद अब अगला जो कदम है वो डिजिटल का है। अब लोग बहुत ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखते और डिजिटल पर शॉर्ट में सब कुछ देख लेते हैं, तो मेरे 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और ये मैं पहला हकीम हूँ जिसके इतने ज़्यादा जी सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत अच्छा है। इसमें यह जब चाहे आप
कोई भी नुस्खा निकाल के देख सकते हैं। तो लोग पसंद करते हैं, मेरी तरफ से रोज़ पोस्ट जाती हैं मरीजों के लिए और लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब हमारे टाइम पे कोई नहीं है अपने घर पे तो कैसे देखेगा प्रोग्राम, तो ये सब हो रहा है जी। और जो दर्शक हमसे बातचीत कर रहे थे सुनील जी, उन्होंने भी नसों की समस्या के बारे में जिक्र किया, तो कार्यक्रम के शुरुआत में जैसा कि मैंने जिक्र किया था अपने तमाम दर्शकों से कि आज हम नसों की बीमारियों के बारे में बातचीत करेंगे, क्या कोई ऐसी उम्र होती है जहां पर जाकर नसों की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है या किसी भी उम्र के व्यक्ति को नसों की समस्या हो सकती है? ज़्यादातर तो 40-45 साल के बाद नसों में प्रॉब्लम आती है और वो अलग अलग तरह की परेशानी है, जैसे दिल की रगें हैं जी, तो 40-45 साल, 50 साल, 55 साल में इनमें चर्बी जमने लगती है और ये ब्लॉक हो जाती है। आपने सुना होगा हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, फिर उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। और जो ये हमारे डिस्क के साथ रगें जा रही हैं पैरों की तरफ, ये दबने लगती हैं तो हमारे कमर में और पैरों में दर्द आने लगता है। यहाँ की रगें दबती हैं ज़्यादातर, जिसको जैसे सर्वाइकल होता है जी, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बहुत सारे मर्ज रगों की वजह से होते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि तमाम ऐसे मर्ज जो जोड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, दर्द का ताल्लुक, तो वो उनमें 90% जो बीमारियाँ हैं वो रगों के दबने से होती है जी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सरला जी ने हमें कॉल किया है महाराष्ट्र से। सरला जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न पूछें आप। हाँ, तो हमारे घर के लोगों की जिद्दी लगी हुई थी, तबियत पहले बुखार था, खाती थी जी, और क्या बोलते हाथ पे दर्द रहता। उम्र कितनी है उनकी? उम्र एज 65 साल जी। दर्द है बस उनके हाथ पैरों में, दर्द है, दर्द बता रहे, बुखार हुआ था उसके बाद से हाथ पैरों में दर्द है। 65 उम्र है जी। और देखिए बुखार तो बदनाम हो गया, लेकिन इस उम्र में होता ही है दर्द, कम होता है तो बताते नहीं, ज़्यादा होता है तो फिर बताना पड़ता है, पत्नी को भी बताना पड़ता है, डॉक्टर को भी बताना पड़ता है, क्योंकि एक हर किसी की कैपेसिटी है दर्द बर्दाश्त करने की। तो देखिए आप गोंद स्याह अगर आपको मिल जाए, असली काला गोंद कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, गोंद स्याह यानी काला गोंद, इसको आप 100-200 ग्राम खरीद लें बस, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसा उनको आसानी हो आप लोगों को देना शुरू करें। ये 100-200 ग्राम अपने ख़त्म होने से पहले आपको जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाकर ही ख़त्म होगा, ऐसा हमारा तजर्बा है जी। और इस वक्त शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, पंजाब से उन्होंने हमें कॉल किया है जी। सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार। नमस्कार जी। काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था, मेरे को आपका धन्यवाद करना था। अच्छा। हाँ, मेरे भाई की आना बहुत तकलीफ थी जी, 6-7 साल से जी, उनके ना ये फिंडलियों में, घुटनों में बॉडी पेन और ज्वाइंट पेन बढ़ा रहता था। अभी ये मैं आपकी दवा ली थी, ये क्या नाम का वो दवा ली थी, और उसके भी आपने जो बताया और जो वेस्टर्न ड्रग यूज करने का बताते हैं या वो उन्होंने करवाया, उनको बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है उनको। कितने दिन से? कितने दिन? 6.5 महीने हो गए हैं अभी, वो तकरीबन वो ठीक है, तकरीबन ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है आपका? एक और चीज वो पूछना चाह रहे हैं, सिरका बता रहे हैं ये पेट के लिए, जरूर का सिरका और किस किस चीज के लिए भी फायदा कर सकता है? ठीक है, देखिए जैतून का सिरका बहुत सारे फ़ायदे करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, और डायबिटीज़ वाले लोग जो दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथिक, उनके नुकसानात से भी रोकता है, किडनी की बड़ी हिफाजत करता है डायबिटिक लोगों को, क्योंकि ज़िंदगी भर दवा खानी है। अब वो ज़िंदगी भर आप कोई
दवा खाते हैं तेज, तो हमारी किडनी कभी भी फेल हो जाती है। तो ये उसकी हिफाजत करता है, लीवर की हिफाजत करता है, पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है। जो दिल की रगें बंद हो जाती है चर्बी की ज़्यादा होने की वजह से, उसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को फालिज है, और यानी दिमाग की रग में जो चर्बी जम जाती है जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो जाता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत अजीम सिरका है जो दुनिया के तमाम सिरकों पर भारी कहलाता है। तो आप किसी भी वजह से ले सकते हैं, बगैर रोग के भी आप इसे ले सकते हैं ताकि रोग ना हो। और देखिए, आपके भाई तो ठीक हुआ चाहते हैं, अब एक महीना और दवा देंगे तो मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वेस्टर्न टॉयलेट लगवा दिया। अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते, तो घरों में ऐसे मरीजों के वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है जी। और साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे जिस तरह से आपने कॉल करके हमें फीडबैक दिया है। हकीम साहब, लगातार आप इस बात पे जोर देते हैं कि जितनी भी यूनानी पद्धति की दवाइयां हैं वो असल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से आप हमें बताएं, और हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके दवाइयाँ मंगवाई जा सकती हैं। और देखिए, हमारा तो यही काम है कच्ची दवाइयों का, जो वो भी कच्ची दवाइयों में वो जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या नकली मिल जाती है, तो हम उसका एक स्टॉक करते हैं हर साल और ज़रूरतमंदों को देते हैं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमसे लोग शिकायत ये करते हैं कि दवा लेट हो गई, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं जी। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं असली चीज़ और अच्छी चीज़ के लिए, हमें इंतज़ार भी कर लेना चाहिए, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। वाकई में एक और दर्शक है हमारे साथ, गीता जी ने हमें कॉल किया है राजस्थान से। गीता जी, सवाल करें आप। जी, मेरे बच्चे के ना बाथरूम करता है जी, बिस्तरों में। कितनी उम्र है उनकी? उसकी है 13-14 साल का है। 13-14 साल। हाँ, देखिए बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ऐसे बच्चों को कहीं लेकर जाओ रिश्तेदारी में, तो वहाँ माँ बाप इसी से डरते रहते हैं कि पेशाब ना कर दे, और वो पेशाब कर ही देता है। तो देखिए, एक घरेलू नुस्खा तो यह है कि 2 अखरोट रोज़ाना अपने हाथ से तोड़ के उन्हें दीजिए रात को सोते समय, और 10 किशमिश रोज़ाना उसके साथ खिलाया करें। थोड़ा लंबा इलाज चलेगा लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि आप माजून अखरोट प्राइस भी आती है इसके लिए एक दवा, ये भी आप उन्हें आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच सुबह शाम देंगे तो उससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है। ये जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है हकीम साहब? बच्चे इतनी गहरी नींद सोते हैं, उनकी गफलत वाली नींद आती है बहुत ज़्यादा, और शऊर बालिग नहीं होता जी। वैसे वयस्क नहीं होते, तो वो एक ख्वाब देखते कि मुझे पेशाब लग रहा है और मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। कोई भी ख्वाब दिख सकता है, और मुझे पेशाब लगा तो मैं ट्रेन के बाथरूम में गया और वहाँ जाके मैंने पेशाब किया, और उनकी आँख जब खुलती है जब वो आधे से ज़्यादा पेशाब कर चुके होते हैं, तो ख्वाबीदा दिमाग हो जाता है और खून बड़ी मुश्किल से बहता है दिमाग से। तो दिमाग से खून बहाने के लिए अखरोट बड़ा फायदेमंद ड्राई फ्रूट है जी। बिल्कुल, एक और दर्शक है हमारे साथ, हेतराम जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में। इन्होंने हमें फिरोजाबाद से कॉल किया है, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर, एहसान है। हाँ सर जी, जी बताइए। नमस्कार जी। जी आदाब। हाँ सर, मुझे लगती है भूख नहीं लगती। हाँ, मुझे मेरा पेट घूम रहता है। क्या होता? पेट क्या रहता है? पेट घूम रहता है, घूम गैस नहीं होती है। ठीक है ठीक है। और खुलकर भूख नहीं लगती है सर। मैंने आपके यहाँ से दवा मंगवाई थी अभी। अच्छा। हाँ, उस दवा से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। 8 दर्जन दवा खाई है मैं सर आपके यहाँ से। 1530 रुपए की दवा आई थी सर। कौन सी दवा है? कैप्सूल मंगाए थे, कैप्सूल भेजे मेरे लिए सर। नाम बताइए।
दवा का नाम तो उसमें नहीं है, डिब्बा भेजा है उसमें 43 कैप्सूल में सर। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि दवा का नाम ना हो, और कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं मैं। और देखिए आप एक तो ये काम करें कि दवा का नाम ज़रूर होगा, आप शायद पढ़ नहीं पा रहे, आप सीधे साधे आदमी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अपने खाने में जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं तो इतना लहसुन और इतना ही अदरक डाला करें, इस नुस्खे से भी आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपने कोई दवा खाई भी है तो यूनानी से आप 6 दिन 8 दिन में फ़र्क की उम्मीद मत करें, चाहे हो जाए आपको 2-3 महीने दवा खानी चाहिए अगर वाकई यूनानी दवा लेनी है, क्योंकि वो आपका सिस्टम ठीक करती है, ठीक है। और घरेलू तौर पर भी आप दवा बना सकते हैं, मेथी 500 ग्राम और नमक आता है जैतून का 100 ग्राम पाउडर बनाएं, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं, पहले ही दिन से फ़ायदा आपको शुरू होगा और ख़त्म होते होते आपका रोग ख़त्म होना मुमकिन है।